नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो दिल्ली समेत उत्तर भारत में कोहरे का कहर, हरियाणा के कई जिलों पर छाया कोहरा। भारी धुंध की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को परेशानी भी हो रही है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, कोहरे की वजह से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। हरियाणा के कई जिलों पर कोहरे का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। भारी धुंध की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, लोगों को वाहन चलाने में परेशानी हो रही है। ठंड की वजह से लोगों का बुरा हाल है, कई तरह के हादसे भी सामने आ रहे हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कोहरे की वजह से काफी परेशानी देखने को मिल रही है, विजिबिलिटी काफी कम है और ऐसे में आने जाने में काफी समस्या और दिक्कत हो रही है। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और वाकई कोहरे की चादर जो है वो काफी कुछ दिनों से नजर आ रही है और आने वाले दिन में भी अभी इस तरह के हालात देखने को मिलेंगे। तो हरियाणा के कई जिलों में कोहरा छाया हुआ है, भारी धुंध है, वाहन चलाने में काफी परेशानी है, कई तरह के हादसे भी सामने आ रहे हैं, विजिबिलिटी कम हो गई है, ट्रेन लेट हो रही है, तो आवागमन में काफी असर पड़ा है कोहरे की वजह से। गुरुग्राम, प्रिथला और हथीन की तस्वीर आप देख रहे हैं, तीनों जगह लगभग इसी तरह के हालात नजर आए। कोहरे की एक गहरी चादर यहां पर देखने को मिल रही है। तो दिल्ली समेत उत्तर भारत में कोहरे का कहर, विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। दिनेश शहरावत हमारे साथ जुड़ गए हैं पलवल से इस वक्त लाइव। दिनेश, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। कोहरे का असर तो कई जगहों पर देखने को मिल रहा है हरियाणा में, पलवल के हालात क्या कुछ हैं? कितने बजे तक कोहरे की स्थिति रहती है और क्या कुछ परेशानी वहां पर हो रही है? देखिए, आज तीसरा दिन है, लगातार कोहरा पूरे दिल्ली एनसीआर में छाया हुआ है। पलवल में भी इसी तरह कोहरे का असर दिखाई दे रहा है। कोहरे की वजह से यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है और कोहरे की वजह से हादसों की संख्या भी बढ़ जाती है। इसको लेकर पलवल पुलिस ने एडवाइजरी जारी करी है कि जो है अपने वो लाइटों को जला कर चलें और जिससे ताकि जो है दूसरे आदमी को, सामने आने वाले आदमी को, ये अगली गाड़ी वाले को पता लगे कि गाड़ी रिफ्लेक्टर लाइट की वजह से चलती हुई गाड़ियां दिख जाए, तो रिफ्लेक्टर लाइट जलाने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से घना कोहरा छाया हुआ है, हालांकि ये कोहरा गेहूं की फसल में तो फायदेमंद है लेकिन सरसों की फसल के लिए बहुत ही खतरनाक है। कहीं ना कहीं कुछ किसान जो हैं जो गेहूं की फसल उगा रहे हैं उनके लिए फायदेमंद है और जिनकी सरसों की फसल है उनको ये कोहरा नुकसान पहुंचा रहा है। साथ ही कोहरे की वजह से पिछले 3 दिन से सर्दी भी काफ़ी बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से कोहरा बढ़ रहा है तो सर्दी भी काफ़ी बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों का आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से मैं आपको बता दूँ कि कोहरे की वजह से ट्रेनें तो लेट हो ही रही हैं। तो रोज़मर्रा के लिए कामकाज के लिए जाने वाले लोग हैं, ड्यूटी के लिए जाते हैं, उनको काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। वाहन काफ़ी रेंग रेंग कर चल रहे हैं क्योंकि यदि कोहरे में वाहन तेज़ गति से होता है तो एक्सीडेंट होते हैं। एक साथ कई वाहन कोहरे की वजह से रुक जाते हैं, जिसमें कई लोग की जाने तक चली जाती हैं। इसी वजह से पुलिस ने लोगों से अपील की है कि गाड़ी काफ़ी धीमे चलाएं और रिफ्लेक्टर लाइट का यूज़ करें ताकि जो हादसों से बचा जा सके। मैं बता दूं कि जिस तरह से लगातार कोहरा छाया हुआ है 3 दिन से, तो ऐसे में कोहरे की वजह से सर्दी बढ़ गई है और साथ ही जिस तरह से विजिबिलिटी काफ़ी कम होने की वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है। और जो फ्लाइट दिल्ली की बात करें, दिल्ली एनसीआर में फ्लाइट्स काफ़ी लेट हो रही हैं, ट्रेनें काफ़ी लेट चल रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। मौसम ने करवट जरूर ली है 3 दिन से, जिस तरह से कोहरा बन रहा है। आज की बात करें तो आज इतना घना कोहरा है कि पेड़ों से पानी तक टपक रहा है, ओस बनकर जो कोहरा टपक रहा है, तो ऐसे में सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है। लोग इस सर्दी के मौसम में अलाव का सहारा लेते हैं और दूसरे गर्म कपड़े ज़्यादा पहनने पड़ते हैं क्योंकि सर्दी के मौसम में अगर बचाव नहीं करेंगे तो बीमारियाँ भी लग सकती हैं। तो ऐसे में डॉक्टरों की भी सलाह है कि लोग सर्दी में जो गर्म कपड़े पहने, अपने आप को सर्दी से बचाए, हो सके जरूरी काम हो तो घरों से बाहर निकलें, क्योंकि जो वाहनों पर जो बाइक चलाने वाले लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा सर्दी लगती है, क्योंकि या पैदल चलने वाले लोगों को भी जो सर्दी का सामना कहीं ना कहीं पड़ता है। जी बिल्कुल। अगर दिनेश हम बात करें स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो आपने भी देखा होगा कि मौसमी बीमारियां काफी फैल रही हैं, तो उसे लेकर क्या कुछ व्यवस्था है शहर में? दूसरी तरफ अलाव का भी लोग सहारा लेते हैं, तो उसे लेकर क्या कुछ किया जा रहा है?
जैसे ही ठंड की शुरुआत होती है तो बहुत सारे शेड बनाए जाते हैं, जो सड़क पर सोते हैं उनके लिए रुकने की व्यवस्था की जाती है, उन्हें जरूरत की चीजें बांटी जाती है, तो क्या इस तरह की व्यवस्था भी वहां पर की जा रही है ठंड को देखते हुए? हाँ देखिए, स्वास्थ्य की बात करें तो भले ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि अपने आप को ठंड से बचाएं, वहीं जिला प्रशासन इसको लोगों को सर्दी से बचाने के लिए पहल कर रहा है। रेन बसेरे बनाए गए रोडवेज जो बस है बस स्टैंड पर, वहाँ रेन बसेरे हैं। कई धर्मशालाओं में रेड क्रॉस की तरफ से रेन बसेरे बना दिए गए हैं, जहाँ लोगों के ठहरने के लिए वहाँ पर जो है गर्म कपड़े और बिस्तर उपलब्ध कराए हुए हैं, ताकि लोगों को ठंडी से बचाया जा सके। क्योंकि आमतौर पर देखा जा सकता है कि जो बेसहारा लोग हैं, जो रेलवे स्टेशन पर रहते हैं, बस स्टैंड पर रहते हैं, उनको काफ़ी सर्दी होती है। इस मौसम में सर्दी की वजह से कई बार उन मौत के शिकार तक हो जाते हैं, तो ऐसे में लोगों की जान को बचाया जा सके, बेसहारा जो लोग हैं उनको ठंड से बचाया जा सके, तो ऐसे में जो रेड क्रॉस की तरफ से जो है बिस्तर गर्म कपड़े भी उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं लोगों से अपील गई है जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि भाई अपने आप को सर्दी से बचाएं, क्योंकि जिस तरह से पिछले दो तीन दिन से एकदम सर्दी ज़्यादा आ गई है, कोहरा बरकरार है, तो ऐसे में सर्दी की वजह से होने वाली बीमारियों से बचा जा सके, इसके लिए लोगों से अपील है कि घर कम से कम घर से बाहर रखें, गर्म कपड़े पहने, मौजे इस्तेमाल करें और कैप पहने, और साथ ही जो गर्म स्वेटर जर्सी हैं उनका इस्तेमाल करें, तभी बढ़ती हुई सर्दी से बचा जा सकता है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो वाकई ठंड की वजह से बुरा हाल है, कोहरे की वजह से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है, अभी आने वाले कुछ दिन यही हालात नजर आएंगे, कोहरे की वजह से ट्रेनें भी लेट चल रही है। इसके अलावा रैन बसेरों का इंतजाम कई जगहों पर किया गया है, अलाव जलाए जा रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं को भी दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है ताकि मरीज अगर पहुंचे तो उन्हें ज्यादा परेशानी ना हो। दूसरी तरफ विजिबिलिटी काफी कम है, तो लोगों को सलाह दी जा रही है अगर वाहन चलाते हैं तो बिल्कुल सावधानी के साथ चलाएं।